फैमिली आपका स्वागत है सबसे अमेजिंग वाले व्लॉग में। आपने हमारा लिविंग इन पूल का पार्ट वन देखा है, yes. आपने हमारा लिविंग इन पूल का पार्ट टू भी देखा है, yes. क्या आपने लास्ट टू लीव द पूल विद $1 million घर में रहने का मौका देखा है? अरे कहना क्या चाहते हो? आज का जो चैलेंज है वो बड़ा सिंपल है, इट इज कॉल्ड लास्ट टू लीव द पूल चैलेंज। मैम ने जो ये चैलेंज का विनर होगा वो बंदा ये घर पे एक दिन के लिए रह सकता है या बंदी। यस यस yes, या बंदी। आप बोलेंगे घर कहाँ है तो पीछे खाली पड़ा है। हम खेतों में आया। हाँ रेडी 3 2 1 गो। मैं आप लोगों को घर दिखाती थी कैसा दिख रहा है, वेट कम लेट्स गो। लेकिन जो विनर है उसी को अलाउड है घर के अंदर जाना, बाकी दो होंगे इस घर से बेशुदा बेधकल। अच्छा बेधकल? हाँ बेटा हमें तो घर दिख रहा है। बेधकल बेटा? हाँ पर बेशुदा क्या होता है? अबे वो गुमशुदा होता है। अच्छा नामली वो बेकतल होंगे घर से। बेकतल नहीं होते। They will be get out of this house। खत्म। बिग बॉस चाहते हैं कि बाकी सारे कंटेस्टेंट हुन ज्यादा दिमाग ना खराब करन ते पूल च छलांग मारन, अगले दा डाटा वेस्ट होण डिया। बिग बॉस चाहते हैं कि संजय ये चैलेंज जीत गया, बाकी तो घर जाए। थैंक यू सो मच। बिग बॉस चीटिंग हो रही है। मुझे हट हो रहा है बिग बॉस। बिग बॉस मुझे हट हो रहा है। हट हो रहा है मुझे। मेरा घर है बजवारी जावा। हट हो रहा है मुझे। सो फैमिली पूरे हम गिल्ले हो चुके हैं एंड हमारा जो पहला चैलेंज होने वाला है इट्स वेरी सिंपल, इट्स कॉल्ड गोइंग थ्रू द शेप्स। जी तो अगर आप जब शेप्स के थ्रू जाओगे, okay. अगर किसी ने एकदम परफेक्टली शेप के थ्रू चले गए उसको बड़ी वाली ट्यूब मिल जाएगी गाइस, और जो नहीं जा पाएगा उसको छोटी वाली मिलेगी। यार ये क्या बात हुई? ओ ये देखे गाइस ये फाइंडिंग नेमो वाली मच्छी लग रही है ऐसे कर। सो गाइस पहले नंबर पे जाने वाला संजय, वेरी सिंपल सी शेप है, इट्स अ कैनन बॉल मैन, दैट्स इट। हैं कैनन बॉल, आपको बॉल बन जा रहा है। बॉल बन रही है, बॉल बन रही है, क्या बात हुई? एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं इसमें हग दूंगा। 2 1 गो। संजू ने शेप में से निकल गया। शेप में से तो ऐसे मैं भी निकल जाऊं। अबे दीक्षा की बारी, लेट्स गो। क्या हुआ? टच हुआ, टच हुआ। गाइस टच हुआ। दीक्षा इज एलिमिनेटेड। दीक्षा हां तुम्हारा टच हुआ भाई। यहां पे तुम्हारा टच हुआ। नहीं टच हुआ। सॉरी हमारे पास वीडियो में है। हमने देखा। रोको केड़ा पेंट हुआ नु। तो फैमिली भैया का भी टच हुआ यहां पे। है? नहीं ऐसे बैठ रहा ऊपर ये तो पोजीशन बनाने पर जैसे बंदे को पोटी आई होती है। सिंपल तो गाइस बैलेंस, इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस। ये लोग ऐसे बैलेंस ही होता है। मत कर मत कर मत कर। अरे मैं और अच्छी बैलेंस मार मेरे गाइस नीचे से। सो गाइस ऐसे ही रहना है। सब मेरे तरीके पे आ गए ना ये, मैं संजय भी मेरे तरीके पे ही आ गया। अभी अगले चैलेंज स्टार्ट होने को बड़ा टाइम है एंड मैं एकदम रिलैक्स कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात है हमारी, बिकॉज इट्स बीन सच अ लॉन्ग, सो इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम जब हम पूल में आए वापस एंजॉय करने। बिकॉज जब लास्ट वाला हुआ था हमारा लिविंग इन पूल, हम पूल के पानी के बीच में नहीं थे, हम पानी के ऊपर बस स्नॉट ही कर रहे थे, उसमें उतना रिलैक्स नहीं कर पाए, प्लस उस टाइम भी ठंडी भी बहुत थी एंड दिस टाइम वी आर जस्ट एंजॉयिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना हम वेकेशंस पे आ गए, हवाई में बैठे हैं तो मस्त चिल मार रहे हैं यार, रिलैक्स हो रहा है, क्या वाइब है।
चैलेंज जिसके बीच में आपको पड़ेगा जीतना। जी और यार फैमिली ये रस्सी है यार, कम ऑन यार, सांप रस्सी है। तो तुम्हें क्या लगा मुझे वाकई में सांप लगा? कुछ मैं एक्टिंग भी करता हूँ। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। होने वाला है थग ऑफ वॉर। यस थग ऑफ वॉर होता है। रस्सी खींचो और जीतो। वीआईपी लाउंज में स्विमिंग का नीचे से बुलबुले अपनी अपनी उस पे लेने का किस पे? अरे अरे बोलने से अपने बम पे। जी हाँ वेरी ब्यूटीफुल बुलबुले बुलबुले क्लीनिंग क्लीनिंग। चलो आ जाओ। किसके बीच तुम्हें संजय करेंगे? तू तो हार गई, तेरे पे ताकत नहीं है। आ यार देखो ये करेगी फिर मेरे, मुझे कुछ और करवाओ यार। सो गाइस पीछे 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 थ्री टू वन गो। Final round. Fight. 2-1. Go. अबे ऐसा लग रहा है हाथी के पीछे हूँ मैं। वो हाथी रुक जा मामा। हार गया। अबे ठग ऑफ वॉर होती है ऐसे ऐसे खींच रही, ये क्या होता है? ऐसे ऐसे करके लेके जा रहा है। इट डजंट मैटर, देयर वर नो रूल्स, इट डिडंट टेल, इट वाज ओनली ठग ऑफ वॉर। आपने बताया नहीं रूल्स भी है। तो मेरा क्या है तुम्हारा क्या, इसका क्या समझे? फैमिली आपको पता है जैसे लोग ऐसे रस्सी के ऊपर वॉक करते हैं, उसके ऊपर दीक्षा बैलेंस करके जाएगी। एंड अगर इसने हक दिया, दीक्षा हकना मत यार, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। 3-2-1 गो। आपको तो पता है ये कौन आपका विनर है यार, ये ओ ओ ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। चीयर्स फैम, हमसे भी चीयर्स कर ले। मुझे भी पीना। अबे तू चार ग्लास खुद पिएगा मुझे भी पीना। यार नीचे से आवाज नहीं आ रही ब्रो, पीछे से तो आ रही होगी। नहीं पीछे से भी नहीं आ रही। ये तो डूड के फेवरेट पनीर फिंगर्स है। वाह मैमली यार आपको पता है भैया लिजिट पता है ऑलमोस्ट एवरी डे मम्मा को कहते हैं यार पनीर फिंगर्स बना दो, इतने टेस्टी है। मेरा नाम है पवित्र प्रभाकर। हेलो फिनियंस, क्या कर रहे हो? भूख डाल रहे हैं यार। भूख लग रखी है, देता कुछ नहीं। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सो फैमिली अब है फैशन शो की टर्न। स्वीट कलेक्शन 3-2-1 गो। साला चलता है मुझसे मजनू। सो गाइस अब इट्स पुश अप सीन। जी
हाँ, यानी कि पानी के अंदर मारेंगे पुशअप, और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगी? चाय, मुझे चाय चाहिए। अब मेरे को थोड़ा आराम चाहिए, मेरे हाथ गलने लगे अंदर, और मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर बैठ जाऊंगा तो बाहर बैठने का मौका मिलेगा लेकिन पैर अंदर ही रहेंगे, तो ये मौका मैं लेना चाहूंगा। फिर कोई रिश्ता भी नहीं लेके आएगा, वो बोलेगा आपका लड़का गला हुआ है। आपको चाहिए रिश्ते? रिश्ते नहीं चाहिए, मुझे रिश्ते निभाने वाली चाहिए। मेरा इंतखाब तो देख, मैं ही नहीं उसके काबिल। तुम तो कहते थे हमेशा साथ दोगे, टम्मा टम्मा लोगे। तो गाइस चैलेंज यही, अभी नीचे आके पुशअप मार रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, जीतने वाले को चाय मिलेगी, आपको पता ही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी। सुनो प्लीज यार, प्लीज। क्या मुझे चाय की ना सख्त जरूरत है, मुझे बहुत ठंड लग रही है अभी। पुशअप करो, चाय लो, खत्म। गाइस ये सिर्फ चैलेंज सिर्फ सांस का नहीं है, सिर्फ डंबल्स का नहीं है, सिर्फ नीचे जाने का नहीं, ये चैलेंज है सांस का, डंबल्स का और नीचे जाने का। तो आपने यही पहले अभी बोला कि बाहर ही नहीं निकल रहे, बाहर निकलेंगे, चाहिए। वो बाहर निकलेंगे तभी मेरे को दिन बिताने को मिलेगा, दिन तो खत्म हो रहा है। अपने पुशअप खुद मारो। सब पहले भैया कर रहे हैं पुशअप्स मेरे लिए, 3, 2, 1 गो। सांसें मुक जाती है नीचे। कुत्ते कमीनी ने अपने लिए करवा लिया, मेरे पास मेरे लिए करने के लिए सांस नहीं है। Subhabli, that was 7 push-ups in total. Yes, 7. चलो रेडी संजय। 3, 2, 1, go. मैंने तो फिर भी जमीन से हवा में ले रहा, हवा में वो हो ही नहीं रहा, नीचे जा रहा हूँ तो लुटी जा रही है। सारे तू ही करेगा, गलती नहीं है। डिस्क्वालीफाइड संजय, डिस्क्वालीफाइड। ड्यूडी अभी आपका कंपटीशन है मेरे से, मतलब इनडायरेक्टली आपसे ही है, मतलब आपको अपने आप से ही जीतना है। हे रब्बा, मैंने आज तक तुझसे कितना कुछ मांगा है, आज फिर मांगता हूँ। मर्जी है तेरी, देना देना, नहीं देना मत देना, मर्जी है। 3, 2, 1 मैं तो चाय पीता नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि दीक्षा पिए चाय। मैं भी पीऊँ यार, इतना मैंने आपको खिलाया, कम ऑन यार। क्या खिलाया? तो मैं चाहता हूँ मेरे दोनों भाई बहन चाय पिए, मैं नहीं चाहता इनकी तबीयत खराब हो, क्योंकि अगर तबीयत खराब होगी तो फिर व्लॉग लेट होंगे, व्लॉग लेट होंगे, आपसे गलियां पड़ेंगी। तो रोंटे खड़े हो चुके अंदर पानी में ठंडे ठंडे। चाय मांग रहा है। जिसको थकना है, जिसको हारना, बाहर जाओ यार। बासुन फटाफट गाइस मेंशन में रहने का मौका मिलेगा। बासुन बीमार नहीं हो रहा, ठीक है, फॉलो मी। नहीं बहना, हे भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई थी, क्या गलती हो गई थी भगवान, मैं उसे बचा क्यों नहीं पाया, मैं क्यों नहीं बचा पाया भगवान, मुझसे क्या गलती। पकड़ भी लो, अपनी डायलॉग लगे। हाथ हो गया यार, कितना सुंदर लग रहा है।
कितना सुंदर, अब तो ये खुद बुला रहा है, आजा आजा आजा। मैं प्यार तेरा प्यार ही है नूडी, इतना सुंदर जगह को प्यार नहीं तो क्या ही बोलेंगे। एक तो सामने लॉलीपॉप रख के और उसको खाने ना देना, ये वो वाली बात हो गई यार। नूडी यार यार आप अपनी बहन के लिए हार भी नहीं सकते यार। हार जो बेचारे की शक्ल भी कह रही हूँ मैं साथ में। अच्छा ले डूडी नहीं, डूडी मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। डूडी देखो आप कितने अच्छे हो, आप मेरी फोटोज भी एडिट करते रहते हो है ना। और आपसे अच्छा कौन एडिट करता है राइट? रील है सारी फैमिली भैया को एडिट करके भैया ही देते, मुझे तो थोड़ा थोड़ा आता है। चो क्या फिट लग रहे हो इस टाइम, क्या स्मार्ट लग रहे हो डूडी, पठान से कम नहीं लग रहे आप। अरे झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी। ये करने की जरूरत नहीं थी, ये ज्यादा हो गया डूडी। ये दुश्मन घर पे दुश्मन पाल रखे है मैंने तो। कितने अच्छे देखो, मैं आपको हमेशा राखी बांधती हूँ, इस चीज के लिए बांधती हूँ कि आप जो मैं चीज बांधती है वो बांधनी पड़ती है, ऑप्शन नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, रक्षा कहते ब्रो राखी के टाइम पे इसने 50,000 रुपीस ली से मैंने। अरे बाबा वो रक्षा नहीं थी, वो रक्षा थोड़ी ना होती है रूडी, वो तो आपने गिफ्ट दिया था। तो बंदा फिर वो ना लेता, बोलता मैं भैया आप मेरे हो इतना ही काफी है। मैंने मैंने मांगे नहीं थे, आपने जबरदस्ती पकड़ाए थे। अरे बाबा झूठी, इतना रोहित ने पैसों के लिए, मुझे याद ही नहीं ये पैसा लेके भूल जाती है। रूडी यार हार जो यार प्लीज यार, यार इसने मेरी इतनी तारीफ की है, मैं कभी भी हम सिंपथी के लिए आपको चीजें नहीं बताते, लेकिन आज वाकई सिंपथी गेन करेंगे। सिंपथी आज आज हम सिंपथी गेन करेंगे। फैमिली हमने डिसाइड किया कि अब पूल को छोड़ देते हैं और चलते हैं साथ में अंदर, क्योंकि असली मजा तो अपनों के साथ आता है। फाइनली मेंशन के अंदर जाने का मौका मिल गया है। क्या टेबल का है, मुझे ठंड लग रही है। सुसु आई है, मेरे को भी आई है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। इसमें से जो निकल पाया वो फिटनेस में हुआ कामयाब। सोफे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 की सिटिंग है यार, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन की है। और इधर से आपको पूल दिख रहा है। पैसा ही पैसा गाइस वो लेके आओ, रिच किड वाइब ओल्ड मनी भाई लेके आओ। जब है ही नहीं रिच किड तो कहां से लाए। सो गाइस वेलकम टू माय होम। अच्छा चल परे एक लड़की तो मुझे देख लो, जो भी देखता है आंखें क्यों बंद कर लेता है। क्या बात है, मैं आपको भाई वाइब्स देता हूं। भाई वाइब्स ये स्टेज कितनी अच्छी लग रही है यार, द कलर इज सो गुड। कितना सुंदर बनाया है ये रूम, ये देखे कितने महंगे महंगे तो लैंप है। और मैं तो लगाऊं सोने गुड नाइट। कितना सुंदर लग रहा है यार, द लाइट इज सो परफेक्ट, मेरा मेकअप हो जाएगा। उठो रूडी यार, ऐसे चैलेंजेस किया करो, बड़े जबरदस्त है। हमें एंजॉय करने दीजिए, अब हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, क्योंकि हम तो यहीं रहने वाले हैं। अब रिलैक्स कर रहे हैं यार, अब सोना है।